बताना तो पड़ेगा हमें। आज हमारा सवाल है कि क्या केजरीवाल को सरकार चलानी नहीं आ रही, क्योंकि इस वक्त तमाम पैनल हमारे साथ बना हुआ। आशीष सूद साहब अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अनूप जॉर्ज चौधरी साहब हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। रवि श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, जो आम आदमी पार्टी के समर्थक बताए जा रहे हैं। और चिंटू शेख साहब भी पहले से जुड़े हुए हैं। अनिल कुमार चौधरी साहब भी कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आमिर हैदर जैदी साहब हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। रवि श्रीवास्तव जी, मेरा सिंपल सा सवाल है, आपने जब पार्टी बनाई और आप जब सत्ता में आए तो आम आदमी पार्टी ने कहा बिजली माफ और पानी माफ। आज मुझे बता दीजिए, क्या वो रेट्स को लेकर था या बिजली आधी कर देंगे और पानी बिल्कुल नहीं आएगा ऐसा कर देंगे दिल्ली में, कि अब सवाल उठने लग जाएंगे कि भाई सरकार कैसे चलेगी, ऐसे ही चलती है सरकार? देखिए माधुरी, देखिए ये स्थिति जो है वो अभी अगर कुछ समय के लिए है तो उसका निस्तारण अरविंद केजरीवाल निश्चित रूप से कर लेंगे, मगर ये मान के चलिए कि जब सरकार बनी थी तो उसके बाद जो बिजली का रेट 2 रुपए यूनिट, 2-2.5 रुपए यूनिट और पानी 20,000 लीटर जो फ्री देने का वादा किया था वो अरविंद केजरीवाल ने आने के एक महीने के अंदर पूरा कर दिया था। और स्थिति ये है कि आज आप मुझे देश का एक राज्य बताइए उनका क्या हुआ, उनके किसे भरोसे छोड़ दिया? आपने कहा था 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर उन्हें रेगुलाइज कर देंगे, जनलोकपाल कहां चले गया, नागपुर चला गया। और दूसरे आपके सरकार का एक नियम है, आपके सरकार का नियम है चाहे सरकार सरकारी हड़ताल करता है तो उसका वेतन काट लिया जाता है। कोई आपकी सरकार 8 दिन से हड़ताल पर है क्या 8 दिन का ये वेतन छोड़ेगी पूरी सरकार? आपकी सरकार का एक नियम आप याद दिला रहा हूं, ऑफिसरों का भी तो वेतन काटो ना। आईएएस ऑफिसर जो हड़ताल, आईएएस नहीं, आपकी सरकार का एक नियम है, जो सरकार जो सरकारी कर्मचारी अगर हड़ताल करता है 1 दिन की तो आप 1 दिन का वेतन उसका काट लेते हो। 8 दिन से आपकी सरकार हड़ताल पर है क्या 8 दिन का वेतन आपकी सरकार छोड़ेगी? जारी रह चुका हूँ 28 साल 67 एमएलए आपके यहाँ, वो छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे आप झूठ बोल के दिल्ली की जनता को। सुनिए श्रीवास्तव जी, आप सुनिए मेरी बात, श्रीवास्तव जी सुनिए 1900 कॉलोनियों को आपने नष्ट कर दिया। टीवी स्क्रीन अगर देख पा रहे हो तो ऊपर एक फोटो चल रहा है, उसमें आईएएस एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने साफ साफ ये लाइन कही कि ये जो सिचुएशन हमारी चल रही है ना, ये बहुत अबनॉर्मल है हमारे लिए, ये हमारे लिए नॉर्मल नहीं है, हम इसे झेल नहीं पाए। आप समझ रहे हैं, एक ब्यूरोक्रेट, एक अधिकारी, सरकारें आती जाती रहती हैं, हर सरकार के साथ डील करके काम करता है। ऐसा क्या हो गया कि ये जो टकराव की स्थिति बनी उसको अरविंद केजरीवाल एंजॉय करते रहे? आशीष सूद साहब मुझे बताइए, आज अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि ये अधिकारी मेरे परिवार का हिस्सा है और मैं भरोसा दिलाता हूं कि मैं अपनी क्षमता और मौजूदा संसाधन के तहत उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। फिर उसके ऊपर आईएएस एसोसिएशन का भी एक ट्वीट आता है कि हम मुख्यमंत्री के इस अपील का स्वागत करते हैं। मुझे ये बताइए सर, ये सारी सिचुएशन क्या 8 दिन पहले या 4 महीने पहले नहीं हो सकती थी? देखिए, हम यही तो इसी तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के संदर्भ में बार बार कहते हैं कि सरकार इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह चल रही है। आईएएस एसोसिएशन ने 4 दिन पहले भी जब अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी उसमें ये कहा था कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों द्वारा कोई सद्भावना के प्रयास नहीं किए गए हैं, ये बार बार उन्होंने कहा। आज बार बार जिस आईएएस एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्ति का हवाला आम आदमी पार्टी के नेतागण दे रहे हैं उसी में ये कहा गया था। तो अगर छोटी सी बात, वो भी आज ट्वीट और चिट्ठियों के माध्यम से हो रही है, अगर चीफ सेक्रेटरी के साथ कोई अभद्र व्यवहार हो गया, अच्छा होता केजरीवाल ये पत्र लिखकर राजनीति करने की जगह फोन उठाते, चीफ सेक्रेटरी साहब आइए हम दोनों को मिलकर इस राज्य को चलाने का काम करना है, वहां पे घर पे मिलने के लिए। देखिए ये प्रलय करने कौन से सोच के साथ बात करते हैं आप श्रीवास्तव जी? आम आदमी पार्टी का मतलब है आम आदमी की पार्टी ना, ये सामंती सोच क्यों रखते हैं कर लेते हैं ये अफसरों को आप ऐसे ही बात करते हैं, एलजी से आप ऐसे ही बात करते हैं। अकर्मण्य
अकर्मण्य नकारा सरकार के चीजों को एलजी को भेजिएगा, क्या मतलब होता है? क्या केजरीवाल नहीं जा सकते? अगर बड़ी माफी मांगते घूमते हैं ऐसे तो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में कसम खाई हुई है कि हम जनता के लिए काम करेंगे। ये बीच में चिल्ला रहे हैं श्रीवास्तव जी, एक मिनट से मेरा सवाल है। दिल्ली की राज्यसभा की टिकटें बिक चुकी हैं, ये बीच में चिल्ला के इनको कुछ हासिल नहीं होगा। अपना पॉइंट ढंग से कहें। हमारा अरे भाई बोले रसीद दिखाई नहीं आपने। हाँ, अरे आप बात इसीलिए दिखाई है, इसीलिए रसीद दिखाई, बैंक ट्रांसफर भी नहीं बताया। दिल्ली में बिकती है तो पैसे मिलते हैं ना, तो रसीद दिखा देना। आशीष जी की हत्या हुई है पानी की, बिना पैसे के बिक गई। इनके इनके इन ये वहां बंबई में बैठकर प्रलाप करते रहेंगे। हमारा तो कहना ये है, एक फोन तो क्या वो आम आदमी पार्टी ने करवाई है हत्या? क्या कह सकते थे? पुलिस तो आपके पास है, वहां पे तो पुलिस जांच क्यों नहीं करती? आइए, आम आदमी पार्टी ने हत्या करवाई, क्या वो करना है? लोग मर रहे हैं तो कोई मानता कि चुनी हुई सरकार काम कर रही है? अनिल कुमार चौधरी साहब कांग्रेस है, मुझे बताइए चौधरी साहब, ये जो इतना ड्रामा चलता है और आप लोग धरने पे बैठे हैं मुख्यमंत्री के कार्यालय में, दीक्षित ने भी तो काम किया है ना, जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी तब भी किया होगा। लेकिन ऐसी स्थितियां तो नहीं आई, मुद्दे को सही कहा, मिल बैठ के और आप कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लेते, आप कोर्ट चले जाते, आप माफी मांग लेते। अरे बहुत सारे सॉल्यूशंस थे, मैं बता देती हूँ आपको। आशीष जी मौका दीजिए, रवि जी औरों को मौका दीजिए, सुन लीजिए मुझसे सवाल क्या है। मीनाक्षी जी मैं भी अपना इंतजार कर रहा हूँ अपनी बारी का। मीनाक्षी जी आपने जो बात कही है सही है, हम लोग भी 15 साल सरकार में रहे और बड़े गर्व से कहता हूँ मैं विधायक भी रहा। कई बार ऐसी स्थिति आई है जहां पर एलजी साहब या मुख्यमंत्री के बीच में टकराव रहा हो, लेकिन ये टकराव केवल ऑफिस तक होता था और उसका समाधान निकाल लिया दिया जाता था, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो सेंटर में या कांग्रेस की स्टेट में रही हो। इतिहास गवाह है, 15 साल निरंतर कांग्रेस ने सरकार चलाई। रवि जी सुन लीजिए, आप उंगली बाद में उठाइएगा, आप सुनते नहीं है आप लोग। आप जिस पार्टी का उदय आंदोलन से हुआ, मैं दोनों पार्टी को कहना चाहता हूं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, जिस तरह से दिल्ली को लेकर के जा रहे हैं, दिल्ली की जो छवि कांग्रेस ने 15 वर्षों में बनाई पूरे विश्व के अंदर, आज ये मुझे कहते हुए दुख होता है कि इस दिल्ली का प्रारूप स्वरूप आपने पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। आज जिस दिल्ली के अंदर पानी के लिए मौतें हो जाती हैं, गोलियां चल जाती हैं, सफाई कर्मचारी सड़कों पर हैं, और आप देखिए मीनाक्षी जी जिस दिन से इस पार्टी का उदय हुआ है, इस पार्टी के उदय में उस आंदोलन में अन्ना जी के आंदोलन में कौन कौन लोग शामिल थे, मैं इस डिबेट में कहना चाहता हूं दोनों पार्टियां आज दिल्ली की जनता से खिलवाड़ कर रही हैं। आज सिसोदिया जी या केजरीवाल जी बंद एसी के अंदर, और आज कोर्ट टिप्पणी करता है कि आप किस हैसियत से किस कानून के दायरे में आकर के किसी के घर पे आप कब्जा कर सकते हैं। पहली बात तो लोकतंत्र के अंदर यह स्थिति नहीं आनी चाहिए। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों को यह होना चाहिए, समझ आनी चाहिए कि आपको चुना है, आप ये फैसले आप यहां से बाहर करिए। कोर्ट का दरवाजा जब खटखटाया जाता है जब स्थिति या परिस्थितियां बहुत गंभीर हो जाएं, ये परिस्थितियां इतनी गंभीर नहीं थी। जो आरोप लग रहे हैं कि एक ब्यूरोक्रेट्स को पीटा गया, सच कहूं तो ये स्क्रिप्टेड है। बार बार केजरीवाल जी के व्यवहार में माफी मांगने की आदत है। पिछले दिनों जिस तरह से माफीनामे मांगे गए, आप यूपी गए, चुनाव लड़े, फिर आके आपने माफी मांगी। और एक बात कहना चाहता हूं मीनाक्षी जी, दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में पीएम के लिए मोदी और सीएम दिल्ली के लिए अरविंद, ये नारे के साथ ये पार्टी आई थी। एक मिनट, एक तो मेरा नाम माधुरी है, सॉरी माफ कीजिए, और दूसरी बात मेरा सवाल जयदी साहब, कांग्रेस का कहना है प्री प्लान्ड पॉलिटिकल ड्रामा, बीजेपी का कहना है प्री प्लान्ड पॉलिटिकल ड्रामा। जितने भी श्रीवास्तव जी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे बता दीजिए एक मिनट, जयदी साहब कल मार्च होता है उसमें आपके झंडे दिखते हैं, लेफ्ट के झंडे दिखते हैं, आप लोग साथ में शक्ति प्रदर्शन करते हैं, तो आप भी प्री प्लान पॉलिटिकल ड्रामा के सदस्य बन रहे हैं? मतलब नहीं, हम प्री प्लान कोई पॉलिटिकल हम ड्रामा नहीं करते, हम सीधी सीधी राजनीति करते हैं। मैं आपको बताऊं, आपकी राजनीति करने का तरीका ये है कि सड़कों पर निकल जाओ इनके साथ, और यहाँ सवाल पूछो तो कहें कि हम उनके साथ नहीं। सुन लीजिए, पहले मैं बीजेपी का धुर विरोधी आदमी हूँ, बीजेपी की नीतियों का विरोध करता हूँ, किसी नेता का विरोध नहीं करता हूँ, और रोज बैठ के टीवी चैनल पे करता हूँ। मुझे बीजेपी के किसी नेता ने फोन करके ये नहीं कहा कि हम जैदी साहब तुम्हें यूं कर देंगे। छोटा मोटा कोई कार्यकर्ता गाली दे वो एक अलग चीज होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता ऐसे हैं, अगर इनकी आलोचना करोगे तो विपक्षी नेता को ये कह देंगे कि साहब तुम्हें तो साथ कोई हादसा हो सकता है।
ये कुल्लम कुल्ला धमकी देने वाले लोग हैं। तो ये जब विपक्षी नेताओं को धमकी देंगे, आईएएस आईपीएस को धमकी देंगे आम आदमी पार्टी, तो ये किस किस खमीर से पैदा हुए पर मारपीट का इल्जाम है और किसे कोर्ट ने सजा दी वो बताइए। आम आदमी पार्टी के किस नेता पर मारपीट का इल्जाम है? एक मिनट चिंटू शेख साहब, चिंटू शेख साहब, एक मिनट साहब, चिंटू शेख साहब से बात करो, फिर उसे ब्रेक लेना और उसके बाद में जल लोकपाल पीट करना चाहिए कहीं और नाक चौधरी साहब भी मेरे साथ बहुत देर से जुड़े हैं, मुझे सवाल लेना है, मुझे भी सुनने दीजिए, मैं जी को सवाल मत, मुझे भी सुनने दीजिए चिंटू शेख साहब, मुझे सुनने नहीं आ रहा है, सुनने दीजिए, बोलिए माधुरी जी बोलिए। मुझे ये बता दीजिए कि आप कौन सा साथ दे रहे हैं, फोन पर कहते हैं कि आप उनके साथ सिंपति रखते हैं और आपसे पूछा जाए तो आप बीजेपी में सत्ता का सुख मुझे सिंपति का सवाल नहीं है। माधुरी जी कौन सी राज्य, माधुरी जी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अनशन पे बैठ सकते हैं, राहुल गांधी बैठ सकते हैं, तो केजरीवाल जी नहीं बैठ सकते? हमारे उद्धव साहब ने, पक्ष प्रमुख ने क्लियर किया है, जो बहुमत से जीती हुई पार्टी है, जिन्होंने इतने जितने लेकिन धरने का रूप बदल गया, जो केजरीवाल जी सड़कों पे हुआ करते थे राम मैदान में, वो हमने आज माधुरी जी इसी के अंदर धरना देते हैं। अरे कांग्रेस वाले भाषण में खाना खा के जनता को छोड़ करके मोदी जी बैठ सकते हैं, केजरीवाल जी जनता के हित के लिए सोफे में बैठ के हाथ मिला रहे हैं, सबको देख रही है इनकी राजनीतिक मजबूरी है और ये किस लिए ये सब कर रहे हैं, तो बाकी ये इनके नेतृत्व इनसे पूछेगा? फोन किया सिंपल सा मानना है, एनडीए की एक साथी है शिवसेना, हमारे किसी विषय पर अपना मत हो सकता है, वो क्या सुख ले रहे हैं क्या नहीं, आपकी अपनी टिप्पणी हो सकती है। भारी बहुमत से जीता और लोकतंत्र में लोकतंत्र की धजिया उड़ाई है, लोकतंत्र बहुमत से जीतने का अर्थ ये नहीं है, बहुमत से जीतने, भारी बहुमत से जीतने का अर्थ है कि आप ज्यादा, आप एक तीसरे मोर्चे की कमान में सब साथ आना चाहते हैं, मोदी के खिलाफ मुकाबला चाहते हैं, तीसरा मोर्चा चाहते हैं, इसीलिए ये सियासी संदेश देने की कोशिश थी क्या? करीब 8 दिनों से अरविंद केजरीवाल धरना दे रहे हैं, हालांकि वो धरना इसी में बैठ कर दे रहे हैं, लेकिन अब जनता भी पस्त है, कैसे सरकार चलेगी, कैसे काम होगा, इन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। मेहमानों का तारुफ फिर नहीं करवाऊंगी मैं, लेकिन क्योंकि मेहमान अब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जयदीप साहब हमारे साथ नहीं है। अनूप सर मैं आपके पास आऊंगी, आपने मुझसे पूछा कि क्या लिखित में ऐसा कोर्ट ने कहा है, मैं बता दूं सर कि कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं ऐसी, और ये मुझे बताइए कि आज अरविंद केजरीवाल ट्वीट भी करते हैं, 4 महीने से जो झगड़ा चल रहा था अचानक से आज अरविंद केजरीवाल एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि अब ये जो एसोसिएशन है या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मेरे परिवार का हिस्सा है और मैं उनकी सुरक्षा का बिल्कुल ख्याल रखूंगा। क्या मैं मानूं कि कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद ही उन्होंने शायद ये ट्वीट किया हो? अब ये तो केजरीवाल जी ही बताएंगे, पर मैंने भी पहले भी आपसे ये कहा था कि ये ऑब्जर्वेशन जो कोर्ट के हैं बेमाने हैं, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं रखता इसका, और ये ठीक भी नहीं है कि जज साहब इस तरह का ऑब्जर्वेशन करें। मैं आपको कोर्ट पे सवाल खड़ा कर रहे हैं उनके ऑब्जर्वेशन पे, मैं 52 ईयर्स आई एम इन प्रैक्टिस जी। नहीं नहीं नहीं, ये सब देखिए इसका कोई औचित्य नहीं है ना इसके, ये लिखित में आया है आदेश। हाँ। तो ओरल ऑब्जर्वेशन के को कौन ध्यान देगा और किसका क्या मतलब निकलता है? आप जिस तरह से बात करें हर चीज पेपर पे नहीं आती है, लेकिन सच्चाई ये है यदि कोर्ट ने ये कटाक्ष किया है सरकार को समझना चाहिए कि किस तरह का तंत्र, किस तरह की सरकार दिल्ली में चल रही है। आप ये कहते हैं कि हम कोई जजमेंट नहीं आया, कोई पेपर नहीं आया, ये कहना आपके लिए मैं समझता हूँ सरासर दिल्ली और देश में काम कर रहे हैं आप, किसी सरकार के खिलाफ अलग बात है, मैं उस पे बात नहीं कर रहा हूं करे, तो इसको आपको गंभीरता से लेने की बजाय आप उसको इस तरह से कह करके कि नहीं ये कोई इस तरह की टिप्पणी पेपर पे नहीं आई, कोई जजमेंट में नहीं है, ये कहना कि आपका ठीक है मतलब नहीं है। अरे भाई, अरे टिप्पणी का कोई मतलब नहीं है श्रीमान, अरे मतलब नहीं लेकिन सच्चाई तो जनता के सामने आ रही है, तो टिप्पणी हुई है किसी के ऊपर? अरे चिल्लाते क्या है आप मेरे पर, मुझ पे आप क्या चिल्ला रहे हैं? बताने वाले आप क्या चिल्ला रहे हैं मुझ पर? मैं आपको सही कर रहा हूँ, ठीक है? माना एडवोकेट है आप, फाउंडर मेंबर है, बार बार आम आदमी पार्टी की सरकार झूठ बोल करके सरकार बनाती है और आप कह रहे चिल्लाओ मत, पूरी दिल्ली चिल्ला रही है, पूरी दिल्ली पानी के लिए तरसते हैं, आप मुंबई में बैठ करके बात कर रहे हैं, चिल्लाए क्यों? एक मिनट
जनता को गुमराह करेंगे तो मैं उनको करेक्ट करूंगा। आप लीगल वे में वकालत की भाषा में जिसका औचित्य नहीं है, औचित्य है उसका, औचित्य है उन्होंने टिप्पणी की है उनके व्यवहार पे, किस तरह से वो किसी के घर में जाकर के धरना दे सकते हैं। विषय इस बात का है कि उस टिप्पणी को गंभीरता से लेकर के बात करनी चाहिए। शुक्रवार को सुनवाई होगी, जो टिप्पणी है उसका कोई मायने नहीं है। चौधरी साहब, लेकिन अगर हाई कोर्ट की टिप्पणी है तो विद ड्यू रिगार्ड्स ये तो बता दीजिए क्या ये बात जायज है एज अ सीनियर एडवोकेट फॉर लास्ट 52 इयर्स इन प्रैक्टिस और धरना इन एसी रूम ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफिस। आप ये तो बताइए, टिप्पणी को भी भूल जाइए, क्या ये वाजिब है? आई एम सेइंग क्या यह वो वाजिब था जब मुख्यमंत्री के खिलाफ आपके ही अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या बयान नहीं दिया था कि उसकी कालिख पोती गई, वो वाजिब था? और सॉरी बोलने से पहले आपने जिन जिन लोगों पे आरोप लगाए वही केजरीवाल आज माफी मांगता है। कोर्ट देख लेगी, कोर्ट देख ले ली। चलिए भाई, इससे मुझे कोई माने नहीं है। माधुरी ने मुझसे ये पूछा, सचमुच ये सवाल अभी भी उतना ही वाजिब है कि क्या केजरीवाल के इस धरना पॉलिटिक्स से जनता परेशान हो चुकी है। और इसी सवाल को आज हमने सोशल मीडिया पर भी पूछा था कि क्या केजरीवाल को सरकार चलाना नहीं आ रहा। इस पर दर्शकों ने भी अपनी राय रखी है। 66% लोगों ने कहा है हाँ, 30% लोगों का कहना है ऐसा नहीं है, और 4% लोगों का कहना है वो बता नहीं सकते।